Now come to pulley. Here pulley is massless and string is inextensible as well as massless. So if there will be a massless string, then tension of both side of the string will be same. क्योंकि पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग ये जिम करेंगे कि अगर एक लेंथ है स्ट्रिंग का, राइट, तो पूरे स्ट्रिंग में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम, राइट। तो अब देखिए, जैसे इसमें अगर हम टेंशन दिखाएंगे, तो अगर मान लेते हैं कि इस साइड टेंशन ये है, तो एम1 के लिए टेंशन ऊपर की तरफ होगा और पुली के लिए टेंशन नीचे। तो ये टेंशन अगर टी मानते हैं, फिर पुली के लिए टेंशन नीचे और एम2 के लिए टेंशन ऊपर, तो ये टेंशन टी इधर काम करेगा। ये मान लेते हैं कि हियर एम2 इज ग्रेटर देन M2 is greater than M1, तो टोटल मूवमेंट क्या होगा, हमारा ए एक्सीलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए एक्सीलरेशन अगर M2 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो M1 का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, M1 का एक्सीलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ, राइट ए। अब देखिए, अब हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर M1 का। अब क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे, देखिए यहाँ पर एक फोर्स M1 का वेट काम करेगा M1G, और यहाँ पर M2 का एक फोर्स काम करेगा वेट M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सारा फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है। देखिए, अगर इसको हम लोग ढक रहे हैं, तो ये टेंशन हो गया, ये टेंशन M1 का। तो अब चलिए M1 का इक्वेशन लिखेंगे, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ M1। M1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, टी, और डाउनवर्ड में एम जी है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस एम वन जी। दिस विल बी इक्वल टू एम वन इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एम वन। नाउ फॉर एम टू, देखिए एम टू नीचे आ रहा है, इसका मतलब एम टू जी ज्यादा है टेंशन से, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, एम टू जी माइनस टी। तो हियर एम टू जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम टू इंटू ए, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों को एड कर लिए, ऐड करना तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये करेंगे टी टी कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी। अगर जी कमान ले लेते हैं, तो एम टू माइनस एम वन, और ये जी हो गया। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अगर ये कमान ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू इंटू ए। देयरफॉर वी हैव ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एम टू माइनस M1 divided by M1 plus M2 into G. So this is expression for acceleration of the system. And from one, अगर from one, यहाँ से हम ये करें, तो T क्या हो जाएगा, T will be equal to, देखिए यहाँ M1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए M1 इधर जाएगा तो plus हो जाएगा, M1 common ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, M1 G plus A, right? M1 G plus ए। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस विल बी टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन।